छत्तीसगढ़ के दुर्ग के भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है, साथ ही इसे इस्पात नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ के युवा अपने टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया भर में मनवा चुके हैं। भिलाई के रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सैयद अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया कि उपलब्धि इतने कम उम्र में उन्होंने हासिल की, जिससे हासिल करने में लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। आपको बता दें, भिलाई के सैयद अब्दुल का चयन लंदन में होने वाले एक इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जहां वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। अब्दाल जो है अभी इस जगह में पहुंचने के पीछे घर का सपोर्ट तो है, माता पिता का सपोर्ट है, परिवार का सपोर्ट है, लेकिन इसकी खुद की जो क्षमता है वो मुख्य रूप से मायने रखती है। हर माँ बाप चाहते हैं, और ये भाव मैं आज तक देख रहा हूँ उनके अंदर, जो देशभक्ति कूट कूट के अंदर भरी हुई है, और ये हमेशा इस बात को बोलते हैं कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहा हूँ बाहर जाके। इनकी जो बड़ी खासियत मैंने देखी वो ये रही कि ये बचपन से मैंने एक बात देखा है कि अगर मैं कोई बात उनको बोल रहा हूँ, आप लगातार एक घंटे तक अगर कोई बात बोल रहे हैं तो ये उसमें कभी भी आगे पीछे नहीं किए, चाहे आप जितने देर तक बोलते हैं पूरी बात को गौर से सुनते रहे। एक और इस कंपटीशन में 50 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे और हर देश से एक बच्चा चुना गया है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस बार मेरे लिए गौरव की बात है कि भारत का प्रतिनिधित्व तो मैं कर रहा हूँ। जी, मैंने अपने स्कूल लेवल में ही हमेशा से इंटर स्कूल डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हुए आया हूँ। यूनिवर्सिटी में भी मैंने इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट जीती हैं और टोस्टमास्टर्स वगैरह में टोस्टमास्टर्स का क्लब चालू किया इस बार, तो पब्लिक स्पीकिंग मेरा फोर्टे रहा है और उसी के तहत आज मैं भारत का प्रतिनिधित्व एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में कर।